गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना आज ऋतु का ऑल टाइम फेवरेट साबुदाना खिचड़ी बन रही है। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई रखा है, इसमें ना मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है इसमें डालते हैं थोड़ी सी राई और जीरा। जैसे ही जीरा और राई जो है अच्छे से फूल जाते हैं हम इसमें डालते हैं करी पत्ता, हरी मिर्च और इसको ना एक हल्का सा सॉटे करते हैं, ज़्यादा उसको कुक मत करिए। अब इसमें डालते हैं दो प्याज जिसको मैंने चॉप किया है, और अब इसको ना 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। प्याज को ना हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ओके, हल्का सा इसे सॉटे करना है। तो अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं हल्दी के पाउडर। तो हल्दी पाउडर ना ये ऑप्शनल है, आप इसे ना स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी चीनी यानी शुगर, और इसे मिक्स करते हैं। तो अब इसमें डालते हैं साबूदाना। तो यहाँ पे ना मैंने साबूदाना को ना रात को भिगो के रखा था। तो एक साबूदाना को ना भिगो के रखने से पहले ना इसे 2 से 3 बार ना अच्छे से वॉश करें, जो उसका स्टार्च है ना वो निकल जाना चाहिए। उसके बाद पानी डाल के उसको भिगो के लिए रख देना चाहिए। और यहाँ पे मैं डालूँगी पीनट, जो पीनट को ना मैंने हल्का सा रोस्ट किया है, उसके बाद उसको मैंने क्रश किया है। फाइन पाउडर ना बनाइए उसको, ना दरदराई इसको कूट लीजिए, ओके। अब इसको ना अच्छे से मिक्स करते हैं, और ढककर ना हमें एक लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे कुक करना है। उसके बाद इसके ऊपर डालना है हमें धनिया, तो शूट करना मैं भूल गई थी। और यहाँ पे हमारे जो साबूदाना है ना खिचड़ी बनके रेडी है। आप चाहे तो आलू को बॉईल करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट करके ना मैं आ गई थी रूम में, तो मेरे जो कबर्ड है ना पूरे कपड़े जो है ना मैस हुए थे, तो सोचा चलो आज इसको क्लीन करते हैं। कब से मैं सोच रही थी कि मैं आज क्लीन करूँगी, कल क्लीन करूँगी, टाइम ही नहीं मिलता है। और ऋत्विक एडमिट था हॉस्पिटल में, तो उसके जैसे ना पूरा मतलब टाइम ही नहीं मिला। तो आज सोचा चलो वो पहले काम कर लेते हैं। और यहाँ पे ना मैं मम्मी के साथ बात कर रही थी, तो बात करते करते ना मैं काम भी कर रही थी। और ऋत्विक को ना मैंने बाहर बिठाया है पढ़ाई करने के लिए, एक जगह पे बैठता नहीं है। तो मैं दोनों काम कर रही हूँ, तीन काम कर रही हूँ, मम्मी के साथ बात भी कर रही हूँ, कपड़े भी फोल्ड कर रख रही हूँ। और अभी ऋत्विक आएगा पढ़ाई लेके, उसको ना मैंने टेबल्स दिया है लर्न करने के लिए, वो बीच बीच में आ रहा है। तो तीनों काम मैं साथ ही करती हूँ। और मुझे ये कपड़ों का ना आज कैसे करके ना ठीक करके रख देना है, बाद में ना मुझे कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो ऋतिक का भी कबर जो है ना क्लीन करना है, और ऋतिक के पापा का भी ऊपर जो कपड़े हैं ना उसको भी क्लीन करना है। तो आज मैंने सोचा चलो मेरे जो कपड़े हैं ना कबर के, तो उसको पहले आज क्लीन कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो सुबह से ना मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया था। आज ना इसने मेरे बेटे ने ना पूरा आधा दिन मेरा जो है ना ख़राब कर दिया है। सुबह उठता है, उठने के बाद ना तुरंत ब्रश नहीं करता है, ठीक है, ब्रश नहीं करता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, अभी जब से ये हॉस्पिटल से आया है ना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। ब्रेकफास्ट के बाद ना उसको लेना है मेडिसिन, वो भी 3-4 तरह के मेडिसिन है, और उसको जो पसंद है ना वो मैं बनाती हूँ। आज मैंने बनाया था साबूदाना खिचड़ी, क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है। मुझे पता है कि अभी भूखा की वजह से ना मुँह में टेस्ट नहीं आता है, तो खाने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है। पर क्या करें, मेडिसिन तो लेना है ना। तो फिर भी मैं बोलती हूँ कि मैं तुमको खिलाती हूँ, तुम खा लो। नहीं, सकाळ बिगना उठना, चाय ब्रश करना, चाय नहीं पीता है, बाद में मेडिसिन नहीं लेता है, ओके। मेडिसिन लेते वक्त तो इतना नखरे करता है ना, क्या बताऊँ। तो मेडिसिन जो है ना 4 है, उसमें से 3 लेता है वो, 1 जो है नहीं लेता है वो, बस 2.5 ml है वो, पर अच्छा है, स्वीट है, इतना कड़वा भी कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो नहीं लेता है, इतना दिमाग खाता है ना। आज मेरा पूरा सुबह का पूरा आधा दिन है उसने मेरा ख़राब कर दिया है। तो अभी मैंने उसको बैठा है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो क्या करता है मालूम है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, खेलता रहता है, यहाँ पर कुत्ता है वहाँ पर चढ़ता है, बाद में बोलता है मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर बैठ कर पढ़ाई करो। तो मैं दिखाती हूँ, बैठा है पढ़ाई करने के लिए, ये देखिए, हांगा ना हांगा धावता थे नाचता हांगा नाचता, पेंसिल थोड़ा घालप ना, हाँ अभ्यास ना का अभ्यास केला की मठा बरा। जब मैं बोलती हूँ ना पढ़ाई करो तो बोलता है नहीं मुझे बुखार आया है, मुझे सर्दी हुआ है, खेलते वक्त वो अच्छे से खेलता है, हाँ एक जागर बस ना। कल और आज 2 दिन वो स्कूल नहीं था, स्कूल नहीं गया है, और मंडे ट्यूजडे तक स्कूल है, तो बहुत सारे पढ़ाई दिया है। हांगा थे नाचापेक्षा तक सांगला बस आणि सगळं होमवर्क कंप्लीट कर, हाँ करू कुछ जाए राणी ऑप्शन ना, हाँ खैया खे वैसे ना तू दांडे खेळू येता, तू खेळता दांडिया बसता तू इकडे पळता, हा आता तू कितलो वेळ बसता पळता। तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड मैंने आज स्टॉल डाला ही नहीं,
है का संभालू कि स्टॉल संभालू, कि आज उसके पापा नहीं है, आज पापा जो है बहुत ही बिजी है, दो जगह पे इवेंट है, तो खाना खा के ना वो चले गए काम पे। अरे है का सांभर पा, एक लोग को मनीष जैसे सर, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है, मतलब सच्चे पट्टा में ये। तो अच्छा हुआ मैंने स्टॉल नहीं डाला, तो अब देखते हैं मैं इसको लेकर जाऊँगी, अगर एक जगह पे नहीं बैठता है ना तो मैं वापस आ जाऊँगी। बड़ा मेरे इतना फर्क आने से बच्चे ना उतर बेड़, बहुत दिमाग आता है। घर बैठते हैं ना बच्चे, उनको पता नहीं क्या हो जाता है, ड्राइंग नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस टीवी पर इतना मैं मंडा दौड़ा दुखता मंडा। तो आज ना मेरा सुबह का आधा दिन उसने ही उसके पीछे में भाग रही थी, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए। खाना वो खाया आज पता नहीं क्यों, कैसे अपन उस गुण जी लो। तो आज ना मुझे आपके साथ ना भिंडी की भाजी की रेसिपी शेयर करनी थी, पर वो भी नहीं हुआ क्योंकि जल्दी बनाना था। प्रीति पापा को आज जल्दी आ गए खाना खाने, तो लोग उसने बोला था कि मैं जल्दी आऊँगा खाना खाने, तो जल्दी खाना बना के रखने के लिए। तो इसके लिए ना मैंने मम्मी को बोला तुम फटाफट बना दो, तो मम्मी ने आज वो भाजी बना दी, भिंडी की भाजी। अरे वो भिंडी की भाजी है इसका फेवरेट है, उसने खाया आज उसे। पुस पुस, तो उसको ना मैंने टेबल्स दिया है, अभी उनको टेबल्स है। तो अभी 25 डेज हॉलीडे है, 25 डेज, अभी 25 डेज कैसे निकालना है ना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे कॉलोनी में ना स्विमिंग सिखाते हैं, तो बुक का उसको ये अभी सर्दी होने से पहले ने हम लोग ने प्लान किया था कि अभी इस हॉलीडे में ना उसको स्विमिंग क्लासेस डालेंगे, पर इसका तो अभी सर्दी पता नहीं अभी कैसे डालेंगे। अभी नवंबर महीना स्टार्ट हुआ है, तो अभी बहुत विंटर सीज़न है, तो मुझे को ना वो रिस्क नहीं लेना है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम मई महीने में उसको ना स्विमिंग क्लासेस में डालना है मुझे। हमारे कॉलोनी में आता है सिखाने के लिए, बहुत ही अच्छा सिखाता है, तो उसको डालेंगे। हाँ, और हमारे कॉलोनी में ना ताइक्वांडो भी सिखाते हैं, पर इसको मैं ताइक्वांडो में नहीं डालूंगी क्योंकि ये कुश्ती करने में नंबर वन है, कुश्ती करने में ना नंबर वन है ये, अंपायर मार्टल में गाड़े, तो उसको ना मैं स्विमिंग क्लासेस डालूंगी, अब देखते हैं मई महीने में। ओके, और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि रेसिपी शेयर करने के लिए, चिकन की रेसिपी, वेज रेसिपी, बहुत लोगों ने मुझे लिस्ट दिया है, तो थोड़े दिन के बाद मैं रेसिपी शेयर करूँगी। फिलहाल ये ठीक होना चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि आप लोग देखा ना पूरा दिन मुझे ना उसके पीछे भागना पड़ता है, ठीक से दवाई लेता नहीं है, डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला है दवाई टाइम टू टाइम डाल दो, बाद में अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए ना अभी रेसिपी भी शेयर करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मुझे आप लोगों के साथ बात पूछनी है। तो ऋतिक को ना रागी पोरेज, यानी मैं रागी का आम्बिल मैं बनाती हूँ ना, उसको फेवरेट है ऋतिक का, वो पीता है। और पैज उकड़ा तांदूल, पैज वो भी उसका फेवरेट है। तो रागी है ना वो हेल्थ के लिए हीट है या कोल्ड है, मुझे अभी तक उसका आंसर पता नहीं है। तो गूगल में मैंने सर्च किया कि वहाँ पे दिखाता है कोल्ड है, कभी कभी दिखाता है हीट है, तो बहुत लोगों से मैंने पूछा, सब लोग बोल रहे कि वो कोल्ड है। तो आज मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, अक्षता रेसिपी, उसने मुझे बोला कि रागी जो है ना बहुत ही कोल्ड है हमारे बॉडी के लिए। राव रे बस रे, जो रागी जो है ना हमारे बॉडी के लिए ना बहुत ही कोल्ड है, तो इसके लिए मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि रागी उसको मैं दे दूँ कि ना दे दूँ, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी बोल दिया कि वो कोल्ड है, तो मम्मी भी बोल रही थी कि वो कोल्ड है, पर वो पिता था उसको पसंद है। ओके, वो अभी सब लोग बोल रहे कि वो बॉडी के लिए बहुत कोल्ड है ना, तो अभी मैं उसको देना है बंद कर दूंगी। और पैज, बहुत लोग बोल रहे कि जो पैज है ना वो भी बॉडी के लिए बहुत कोल्ड है, अभी मैं समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मैं क्या दे दूँ। हाँ, पैज उसको पसंद है, तो पैज तो क्या होता था पहले, हमें बुखार सर्दी होता था ना हम लोग पैज ही खाते थे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि पैज जो है ना कोल्ड है, अभी पता नहीं। और डॉक्टर ने बोला है कि उसको दूध ना देने के लिए, क्योंकि दूध जो है ना कफ कफ जमा होता है उसको दूध ना हजम नहीं होता है, तो अभी देखती हूँ। अभी दूध उसको तो दूध उतना पसंद नहीं है, पीता है वो, जब लास्ट टाइम उसको बुखार आया था ना तब तो हम सब लोग बीमार पड़े थे, तो उसके बाद से ना उसको मैंने दूध कंटिन्यू दे रही थी, वो पी रहा था, तो अभी बोल रहे थे कि दूध की वजह से ना कफ जमा होता है, क्योंकि उसको ना वो दूध ना ये नहीं होता, सूट नहीं होता है। तो अभी पता नहीं गाइस मैं इसको क्या बना के दे दूँ क्या नहीं, तो उसको मैंने ऋत्विक को पूछा, ऋत्विक मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ, वो बोलते कुछ नहीं मत बनाओ, चिप्स और चॉकलेट ला के दे दो, वो मैं खाता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। ये समोसा देखिए अरे बसला बसला कर आप हैं खाऊँ जाए, यानी कि छोले भटूरे खाऊँ जाए, खाए छोले भटूरे, बड़े बड़े सुस्ता था का बसला बसला कर, ये देखिए हाँ
मेडिसिन घे पा ना छोले भटूरे देखे थे का वो भी घर का नहीं, वो वहाँ पे तातो में हम लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो उसको वहाँ पे चाहिए। आई लो तातो रेस्टोरेंट में ना छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाते हैं, तो उसको मैंने पहले बोला है कि जल्दी ठीक हो जाओ अपने छोले भटूरे एंड पानीपुरी खाओ यार। हाँ ठीक है अभ्यास को सुबह से यहाँ वहाँ नाच रहा है, परेशान करके रखा है मुझे, मतलब मुझे गुस्सा आता है, मतलब मारती हूँ मैं। नाइन बरे मरे हैं। और मेरा जो ये ना डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दिया था ना, उस टैबलेट से ना मैंने 2 ही दिन टैबलेट लिया था, वो उस दिन से ना दर्द जो है ना बहुत ही कम है, मतलब दर्द नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ अगर मैं वहाँ पे अंदर टच करूँगी ना तभी मुझको दर्द होता है, ऐसे मुझे दर्द नहीं होता है। तो अभी फिलहाल मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि अभी ये घर में है ना, आमचा वाटा तो ही आता, और ऋतिक बहुत तो बिजी है, जब वो फ्री होंगे ना तो फिर से मैं जाऊँगी डेंटिस्ट के पास और उसका फाइनल क्या करना है वो पूछूँगी। तो रूट क्लिनिक तो डॉक्टर ने बोला है कि रूट करना करेंगे, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो जैसे वो बोलते हैं ना मैं वैसे करूँगी। ओके अभी दो पेपर इसका मिस हुआ है, तो अब देखते हैं टीचर अगर री एग्ज़ाम लेता है ना तो अच्छा है। और इनका स्कूल में ना अच्छे है, मतलब एक ग्रुप है हमारा पेरेंट्स ग्रुप, तो जो भी कोई बच्चा अगर एबसेंट होता है ना तो हम लोग ना एक दूसरे को ना होमवर्क जो है ना शेयर करते हैं, जो स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाते हैं ना वो एक दूसरे को हम लोग शेयर करते हैं। तो कल और आज का बहुत सारा बहुत है पढ़ाई, तो मैंने बोला पढ़ाई लर्न वगैरह ऐसा कुछ भी मत करो, एटलीस्ट बुक तो कंप्लीट करो, जो कि बस 3-4 दिन स्कूल है, बाद में हॉलीडे है, टेंशन नहीं है। तो बहुत सारा दिया है, तो उसमें मैंने बोला कि बैठ के तरफ करो टेबल्स वगैरह, हाँ यहाँ वहाँ नाचने से अच्छा है, पढ़ाई करेंगे तो अच्छा है ना। ओके तो अब बच्चों के 5:30 चाय बनाते हैं, क्योंकि मैगी रहे मैगी इसको मैगी बनाते हैं, एक अलग तरीका है मेरा मैगी बनाने का, इसका फेवरेट है वो, तो वो बोल रहा था सुबह मुझे मैगी चाहिए, तो मैं बनाऊँगी अभी। ओके उस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और 7 बजे को दांडिया का प्रोग्राम जो है ना स्टार्ट होता है 7 बजे, तो अभी 7 बजे है ना आरती होती है, आरती है। ओके तो 6:30 बजे से निकलेंगे हम लोग यहाँ से, पास में ही है। और लास्ट ईयर का दांडिया का मैंने स्टॉल डाल था ना, आप प्लीज़ वीडियो चेक करें। ओके मैंने वो अपलोड लिंक डाल दिया है, कल के व्लॉग में मैंने लिंक डाल दिया है। ओके तो आप जाके वहाँ पे चेक करें कि मैंने किस तरह से बनाया था स्टॉल वगैरह। ओके तो आज ना मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने स्टॉल जो है क्यों छोड़ दिया, तो क्या करें, इसकी वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ा। तो ना तो सुबह जो है ना ब्रेकफास्ट करने के लिए नखरे कर रहा था, मेडिसिन लेने के नखरे कर रहा था, ये दोनों काम मैंने उससे करवा लिया, मेडिसिन भी ले लिया ब्रेकफास्ट भी कर लिया। उसके बाद रोने लगा क्योंकि तुम स्टॉल क्यों नहीं डाल रही हो दांडिया में, मोमोज का स्टॉल क्यों नहीं डाल रही हो। मैंने बोला तुम्हारे डब्बे जो है ना ठीक नहीं है, इसके लिए मैंने स्टॉल नहीं डाला, और आज इसके पापा भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत समझाया, तब जाके चुप बैठा है। तो आज जो है ना बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं, मतलब इस टाइम जो है ना मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ, ये बनाओ उसको स्टीम करो पैक करो, आज वो बहुत मिस कर रही हूँ। ओके कोई बात नहीं, ऋतु का हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, नवरात्रि अगले साल भी है उस टाइम बनाएंगे, अभी क्रिसमस भी आ रहा है तब करते हैं। ओके तो चलो अब चलते किचन में चाय बनाते हैं। ओके जस्ट अब बैठे हैं चाय पीने, तो मैंने आपको बोला था कि मैं मैगी बनाऊंगी, तो मम्मी बोल रही है कि चपाती बनाया था आज लंच में, तो चपाती है तो उसके साथ काम चला लेते हैं। और 5 बजे ना ऐसे कॉल किया था रायकर फैमिली ने यूके से, वो रहता कड़कुत ना सोताली, अच्छा लगता है किसी से अगर बात करते हो ना अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें होती हैं, इसके लिए वो लोग फ़ोन करते हैं ऋतिक के लिए तबीयत पूछने के लिए, अच्छा लगता है कड़ाता टाइम उलझ नहीं टाइम करना है, पकड़ा करता है जो करता कड़ातना दौड़ते चपाती खाऊ जाता है, चपाती चाय पीऊ जाए दांडिया वो ना चपाती क्या ये देखिए ओके बिस्किट दी चल। ओके तो चाय पीते हैं रेडी हो जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, मम्मी नहीं आ रही है, मम्मी ये ना करे तकलीफ तक मम्मी से, तो हम दोनों जाके ना जल्दी आएंगे। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, ये देखिए वो आइस खेलता है दांडिया डांस करता वो बिगिन अच्छे में करा ऋत्विक, तो उसको मैंने बोल दिया है कि हम लोग जल्दी आएंगे। और ये देखिए मैंने आज पेन लिया है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था ना, अच्छा है ये। ओके तो चलते हैं अब बच्चों के साथ, हमारे सामने ना ये देखिए वहाँ पे एक डॉगी है, हाय क्यों
तो रितु को चाहिए पॉपकॉर्न, राव 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 राव, कितना? 100. तो बच्चों का सारा ध्यान है ना पॉपकॉर्न के ऊपर ही है. देखिए एक गिरा काट ले वहाँ का. थैंक यू. हाँ हाँ बोल. हाँ व्हाट्सएप ने आज अगर आप व्हाट्सएप का चैट देखो स्पेशली ये जनरेशन का चैट तो यू कांट रीड बिकॉज LOL LOL मीन्स समथिंग देन देयर इज समथिंग लाइक लमाओ कमाओ गवाओ व्हाट इज दैट लाफ आउट समथिंग. हाँ तो मुहावरों ने लमाओ कमाओ और गवाओ का रूप ले लिया है. बट लेट मी टेल यू अक्षत हमारा जब जनरेशन था जब मुहावरे नहीं होते थे आई मीन जब फोन नहीं होता था तो हम हमारा पूरा कॉन्वर्जेशन भी मुहावरों में होता था. यस अक्षत. फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेंड को अगर ताना मारना है बढ़िया ही नाचना है आंगन टेढ़ा यू नो ऐसे करके हम कॉन्वर्जेशन करते थे. बट बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. आई मीन मैं मुहावरा बोल रही थी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और ज़्यादा देर तक हम रुके नहीं है. बहुत ही गर्मी है बाहर और ये भी ना एक जगह बैठता नहीं है आवाज़ कर जाएगा बसन बसन. तो सभी लोग ना पूछ रहे थे कि मोमोज कहाँ हैं मोमोज कहाँ हैं. सब लोग ना पूछ रहे थे कि मोमोज क्यों नहीं डाला मोमोज का स्टॉल को ढूंढ रहे थे. तो मैं वहाँ पे थी बसला आफड़े चरार ओके. तो सब लोग मोमोज को ना मिस कर रहे थे तो वो लोगों को ना मोमोज बहुत ही पसंद है. तो मैंने बोला नेक्स्ट ईयर क्रिसमस के टाइम पे डालूंगी मैं ओके. और ये यहाँ बैठा है तो जिससे ना मैंने ये लिया है ना वो मेरी क्लोज फ्रेंड है. तो उसके पास ये था कस्टर्ड मम्मी तू ये खा गए कस्टर्ड और ये सेरादुरा. हाँ और कुछ नहीं था वहाँ पे. और उसने ना वाटरमेलन जूस पिया था और ये पॉपकॉर्न खाया था. बरे हाँ तो आज ऋतिको वो बहुत ही बिजी है उनका जो इवेंट है ना ख़त्म भी नहीं हो रहा है. तो उनका एक ऋतिक पहले था ना वहाँ पे स्कूल में आज उनका दांडिया है तो वो वहाँ पे है. लाइट आता हुई था हमारा इन्वर्टर का है लाइट आता हुई था. बरा है हमें लिफ्टिंग आता ही लेना हमें लिफ्टिंग और पाजे भीतर जस्ट अभी पहुँचे हम लोग घर ओके. तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. और जो मैंने अभी वीडियो निकाला है दांडिया वहाँ पे तो गाना जो है ना मैं मुझे लगता है वो कॉपीराइट आ जाएगा जो भी वहाँ पे सॉन्ग्स है ना कॉपीराइट आ जाएगा. तो मैं ना गाना जो है ना चेंज करना पड़ेगा ओके. तो म्यूज़िक डालूंगी मैं
थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, पर क्या करें, मुझे ना कॉपीराइट आ जाएगा अगर वो सॉन्ग रखा तो। ओके तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब वो जवा चल, बाय बाय बन गया, मम्मी कस्टर्ड खाता।